हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट के करंट सिनेरियो के बारे में कि आखिरकार क्रिप्टो करेंसी मार्केट के साथ इस टाइम पे क्या चल रहा है एंड आने वाले टाइम में क्रिप्टो का क्या हाल रहने वाला है, क्या हमें एक बुल रन देखने को मिल सकता है आने वाले एक दो वीक के अंदर। इन सभी टॉपिक्स को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, स्किप मत करना। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइस हम बात कर लेते हैं इंडिया में क्रिप्टो करेंसी के लीगलाइजेशन को लेकर, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही बजट सेशन के अंदर क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल एसेट्स के गेन्स पर 30% टैक्स का अनाउंसमेंट हुआ था, जहां पर ये स्टेटमेंट आया था कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से जो भी डिजिटल एसेट्स हैं, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी हो, NFT हो या किसी भी तरीके का एयर ड्रॉप हो, जितने भी वर्चुअल एसेट्स हैं, अगर उनसे किसी भी तरीके की अर्निंग आप करते हो तो उस पर फ्लैट 30% का टैक्स लगेगा एंड ये टैक्स सबके लिए होगा, चाहे आप इनकम टैक्स स्लैब में आते हो या नहीं आते हो। तो इन टैक्सेशन रूल से ये क्लियर हो गया कि क्रिप्टो करेंसी अब इंडिया में बैन नहीं होगी, यानी इसको एक तरीके से लीगलाइज कर दिया गया है, जिसकी वजह से मार्केट में काफी बुलिश मोमेंटम देखने को मिला था और काफी ज्यादा लोग क्रिप्टो करेंसी में बिलीव करने लगे थे कि हाँ, अब हम इसमें सेफली ट्रेड कर सकते हैं। बट रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर के कुछ स्टेटमेंट्स आए हैं जहां पर यह बात बोली गई कि क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स लगाने का यह मतलब नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज कर दिया गया है। अभी भी यूनियन गवर्नमेंट एंड RBI के बीच में कंसल्टेशन चल रहा है कि फ्यूचर क्रिप्टो करेंसी का क्या होना चाहिए, क्या इसे लीगल करना चाहिए, क्या इसे बैन करना चाहिए, अगर से रेगुलेट करते हैं तो कैसे करना चाहिए एंड इसका क्या इंपैक्ट होगा। तो फ्लैट 30% का टैक्स ऑलरेडी क्रिप्टो ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स के लिए काफी ज्यादा डीमोटिवेटिंग चीज थी, जिसके लिए लोग काफी ज्यादा आवाज उठा रहे थे कि हाँ, ये टैक्स कम होना चाहिए। बट इस तरीके के स्टेटमेंट्स आना जहां पर ये बोलना कि अभी भी कुछ कंफर्म नहीं है कि ये लीगल रहेगा या इलीगल रहेगा, ये काफी और ज्यादा डीमोटिवेटिंग चीज है। एंड कल ही RBI डिप्टी गवर्नर का एक स्टेटमेंट आया जहां पर उन्होंने बोला कि क्रिप्टो करेंसीज को बैन करना ही एकमात्र सोल्यूशन है। अकॉर्डिंग टू हिम क्रिप्टो करेंसीज एक बबल है, एक स्कीम है जहां पर लोगों का पैसा डूबने के पूरे पूरे चांसेस हैं एंड क्रिप्टो करेंसीज की कोई अंडरलाइंग वैल्यू नहीं है, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में जो भी इन्वेस्टर्स यहां पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो पैसा डूब जाएगा। तो एक तरफ तो गवर्नमेंट क्रिप्टो इन्वेस्टर्स से 30% के टैक्स का प्लान कर रही है और दूसरी तरफ गवर्नमेंट के सीनियर ऑफिसर्स ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो काफी सारे मिक्स्ड ओपिनियन हमें यहां पर देखने को मिल रहे हैं। इसका साफ मतलब ये है कि अभी तक गवर्नमेंट इस डिसीजन पे नहीं पहुंची है कि हमें क्रिप्टो करेंसीज के साथ करना क्या है एंड क्रिप्टो करेंसी स्पेस इतना ज्यादा ग्रो कर चुका है कि ना इसे रेगुलेट करना आसान है, ना इसको बैन करना आसान है, तो ये काफी ज्यादा टाइम लेने वाला है। तो इस तरीके के स्टेटमेंट से जो भी इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स घबरा जाते हैं या फिर पैनिक सेलिंग करने लगते हैं, उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, जब तक कोई सॉलिड स्टेटमेंट नहीं आता या फिर सॉलिड रूल नहीं आता है, आप लोग को डरने या फिर पैनिक सेलिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी कोई रूल आएगा तो उसके लिए प्रॉपर गाइडलाइंस होंगी एंड यहां पर मैं अपना एक पर्सनल ओपिनियन शेयर करना चाहता हूं जो मैं फॉलो कर रहा हूं पिछले कुछ दिनों से। आपको इस टाइम पे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट पे फोकस नहीं करना है, आपको जस्ट अभी जो मार्केट में अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं उनसे प्रॉफिट बनाने की कोशिश करनी है। बिकॉज इस टाइम पे बिटकॉइन का चार्ट अगर आप देखोगे तो साइडवेज कंसोलिडेशन के फेज में है, जहां पर ये 40,000 से $45,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जहां पर काफी बार अप होता है, काफी बार डाउन होता है एंड पिछले काफी दिनों से आपको बिटकॉइन का प्राइस इसी रेंज में देखने को मिल रहा है। तो यहां पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी काफी सारी हमें मिल रही है। सपोर्ट लेवल पे बाइंग करो, रेजिस्टेंस लेवल पे सेल करो एंड डेली आपको बहुत सारी बाइंग एंड सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। बहुत जल्द मैं आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताने वाला हूं कि कैसे आपको इस तरीके के फेज में ट्रेड करना है ताकि आप बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में अच्छा खासा प्रॉफिट बना सको। तो अगर आप ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज पर वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, मैं बहुत जल्दी वो वीडियोस लाने की कोशिश करूंगा। बाकी यार, रशिया और यूक्रेन के डिस्प्यूट के बारे में आपको पता ही होगा कि क्या कंडीशन है वहां की एंड ये जो डिस्प्यूट है अगर ये रिजॉल्व हो जाता है तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए काफी सही होगा एंड अगर ये कंडीशन वर्स होती है, वॉर के हालात हो जाते हैं, तो डेफिनेटली क्रिप्टो करेंसी मार्केट या स्टॉक मार्केट या पूरा फाइनेंशियल मार्केट पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। तो क्रिप्टो करेंसी के फंडामेंटल्स और टेक्निकल एनालिसिस से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये एक्स फैक्टर्स हैं जो कि बाहर से इंपैक्ट करते हैं मार्केट को, तो इन सब पर भी नजर रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपको अवेयर रहने की जरूरत है कि मार्केट में चल क्या रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है और वो कैसे हमारी मार्केट को इंपैक्ट कर रहा है। बाकी यार, आपका क्या ओपिनियन है गवर्नमेंट के टैक्सेशन रूल और इस तरीके के जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उनको लेकर, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मुझे पढ़ने में काफी अच्छा लगता है। और गाइस, चैनल पे हमने 56K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए हैं और अभी तक हमने कभी भी कोई Q&A नहीं किया है। तो मैं प्लान कर रहा था एक Q&A वीडियो बनाने का जहां पर मैं आपके क्वेश्चंस के जवाब दूं। तो जो भी आपके क्वेश्चंस है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, चाहे वो मुझसे रिलेटेड हो, क्रिप्टो से रिलेटेड हो या स्टॉक से रिलेटेड हो, तो सभी टाइप के क्वेश्चंस आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं बहुत ही जल्द Q&A वीडियो अपलोड करने वाला हूं जहां पर मैं उन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगा। तो बस गाइस, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। होप इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको काफी यूजफुल लगी होगी एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो ताकि जब भी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।